बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। वैसे तो बिहार में कई कंपनियां खुद को स्थापित करने की दिशा में काम पर लग गई हैं, लेकिन इसी बीच बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल खबर के मुताबिक हजारों करोड़ की लागत से बिहार में अब यूरिया फैक्ट्री बनकर तैयार हो गया है। सवाल ये है कि आखिर इसमें उत्पादन कब से शुरू होगा और किसानों को इसका लाभ कब से मिलने लगेगा। ये सारे सवाल हमारे भी मन में चल रहे हैं, जिसका जवाब हम और आप मिलकर इस वीडियो में जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ और जानिए सब कुछ इस फैक्ट्री के बारे में। दरअसल बरौनी खाद फैक्ट्री में 8388 करोड़ रुपए की लागत से इसी वर्ष अगस्त माह तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने जानकारी दी कि बिहार के बरौनी में बन रहे यूरिया फैक्ट्री की कुल लागत 8388 करोड़ रुपए है। इसमें से 75% राशि खर्च की जा चुकी है और इसी साल अगस्त में फैक्ट्री शुरू होने की संभावना भी जताई गई है। सुशील कुमार मोदी के एक और सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि देश भर में नैनो यूरिया के 6 प्रदेशों में 8 जगहों पर फैक्ट्री खुल रहे हैं। यहाँ सालाना 48 करोड़ बोतल यानी कि 500 मिलीलीटर उत्पादन होगा। बिहार के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में बिहार में नैनो यूरिया फैक्ट्री लगाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीते दिन ही बरौनी फर्टिलाइजर का मुआयना किया था। बरौनी खार फैक्ट्री की कैपेसिटी 1.27 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। पहले मार्च 2021 फिर इसी साल के नवम्बर में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, मगर दोनों बाहर कच्चा माल की आपूर्ति की कमी और कोरोना के चलते समय से काम पूरा नहीं हो सका। अब एक बार फिर से उम्मीद जगी है और इसी साल के अगस्त से बरौनी खाद फैक्ट्री से यूरिया का उत्पादन होना और बाजार में सप्लाई होना भी शुरू होने की बात कही जा रही है। बरौनी फैक्ट्री से यूरिया उत्पादन शुरू होने से बिहार के किसानों को खूब लाभ मिलने वाला है और इसका भी अंदेशा जताया जा रहा है। सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि अभी तक बरौनी फर्टिलाइजर में लालू यादव और दूसरे लोगों ने शिलापट्ट लगाने का काम किया है, मगर आज तक फैक्ट्री शुरू नहीं हो पाया। अब देश की मोदी सरकार ने इसे न केवल आधारशिला दिया है बल्कि अब लोकार्पण करने की भी करीब पहुंच गई है। तो ऐसे में बिहार के लोगों को बड़ी खुशखबरी बहुत जल्द मिलने वाली है और 8388 करोड़ रुपए की लागत से जो बरौनी में खाद फैक्ट्री बन गया है उसमें उत्पादन भी अगस्त महीने से शुरू हो जाएगा, ऐसा केंद्रीय मंत्री का कहना है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने जब दावा किया है तो ये बात भी सत्य ही है और ऐसे में ये अनुमान लगाया जाने लगा है कि बिहार के किसानों को अब खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और बिहार के किसान खाद की कालाबाजारी के शिकार नहीं होंगे। हालांकि ये कितना सत्य हो पाता है ये भी देखेंगे, क्योंकि ये बिहार है और यहाँ पर हर चीज की कालाबाजारी और हर चीज में भ्रष्टाचार तो आम जैसी बात है। अब बरौनी में जो हजारों करोड़ की लागत से खाद फैक्ट्री बनकर तैयार हुई है उसको लेकर लोगों में खुशी है, किसानों में खुशी है और सरकार अगस्त माह तक इससे उत्पादन भी शुरू करने की बात कर रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।